नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NSP न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं राम गोपाल काका जी, जो कि मोदी मिशन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये एक संगठन जो मोदी मिशन का संगठन चल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ देशभक्तों को और देश के लिए जो सोचेगा उसी को जोड़ा जा रहा है। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे को लेकर के आप? देखिए, मिशन मोदी का उद्देश्य है हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर घर में एक मोदी तैयार करना। हम पूरे देश के अंदर ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारा आह्वान है कि हम मोदी जी से प्रेरणा लेकर हम मोदी बनकर काम करें और नए नए मोदी बनाएं। मोदी बनने का मतलब है जैसे मोदी जी 20 घंटे काम करते हैं उसके बदले कुछ नहीं लेते, हम भी 1 घंटे मोदी बनकर काम करेंगे और उसके बदले कुछ नहीं लेंगे। ऐसे समर्पण भाव से राष्ट्र के निर्माण में हमारा योगदान हो, भारत के विश्वगुरु बनाने में हमारा योगदान रहे, ऐसी सोच वाले कार्यकर्ताओं को, ऐसे लोगों को हम अपने मिशन मोदी के साथ जोड़ते हैं। उनको प्रश्न वर्ग देते हैं और प्रश्न वर्ग के साथ साथ मोदी सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे। 1 घंटा जो हमारा कार्यकर्ता मोदी बनकर करेगा, काम करेगा, वो मोदी सरकार की योजना जन जन तक पहुँचाने के लिए करेगा। और ऐसा अभियान पूरे देश के अंदर हम चला रहे हैं लगातार। लगभग 5 लाख कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर जुड़े हैं और 27 प्रदेशों में अपना मिशन मोदी अगेन PM का गठन कंप्लीट हुआ है। अभी 9-10 में हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला वृंदावन में थी, तो उसके बाद अभी 11 से लेके 16 तारीख तक दिल्ली में हम 3-3 प्रदेशों की कोर कमेटी को बिठाकर आगे की योजना रचना एवं अब तक की समीक्षा, उस पर अभी हमारा चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश की टीम को बुलाया था, कल बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल की टीम आ रही है, आगे राजस्थान और मध्य प्रदेश की टीम आएगी, ऐसे ही उसके बाद हमारी असम, त्रिपुरा, अरुणाचल उधर की टीम आएगी। तो पूरे देश के अंदर संगठन खड़ा है और हम हर हर मोदी, घर घर मोदी इस नारे को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि मोदी जी की आवश्यकता इस देश को है, इसलिए हम भी मोदी बनकर काम करें, और जब हम मोदी बने हैं तो हमारी भी आवश्यकता इस देश को है, समाज को है। अभी आपसे अभी आप बताएं कि 5 लाख लोग आपके मिशन मोदी में जुड़ चुके हैं, तो 130 करोड़ की 5 लाख कार्य ये मिशन मोदी में क्या होगा इससे? देखिए, देशभक्तों की फौज ये मिशन मोदी है और राष्ट्रभक्ति के लिए हर व्यक्ति नहीं निकल पाता। 100 लोगों में से 1-2 लोग ही ऐसे मिलते हैं जो राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करते हैं। राष्ट्रभक्त वही होता है जो काम करने के बदले कुछ लेता नहीं है। पुराने टाइम में जो देश के लिए मरे मिटे, जेलें, यातनाएं झेलीं, उनको कुछ मिलता नहीं था, कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, कोई वेतन नहीं मिलता था, कोई सांसद विधायक नहीं बनने वाला था, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, उनको देश को आज़ाद करना था, इसलिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया देश के लिए। आज भी ऐसे समाज के अंदर राष्ट्रभक्त हैं जो राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसा हम सोचेंगे पूरी जनता, पूरी पब्लिक राष्ट्रभक्त बन जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। राष्ट्रभक्त बहुत कम लोग होते हैं और वही कम लोग जो है वो समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज को दिशा देते हैं। ऐसे राष्ट्रभक्तों का आह्वान जब देश के अंदर खड़ा हुआ तो अंग्रेजों ने भी इस देश को छोड़ना पड़ा। और हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रभक्तों की जो टीम पूरे देश के अंदर जब खड़ी होगी, तो जो मानसिक रूप से देश गुलाम है, जो सिर्फ अपना अपना सोचता है, वो गुलामी भी दूर होगी, देश के अंदर जागरूकता आएगी और भारत विश्वगुरु बनेगा। भारत आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी को कभी वोट के लिए न पीछे देखना पड़े, इसके लिए संपूर्ण भारत मोदी में। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल आ रहा था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये शहीद हुए हैं या फिर इनको सजा मिली थी? देखिए, ये तो सजा नहीं थी उनकी, सजा अंग्रेज की भाषा में कह सकते हैं, अंग्रेजों ने इसे सजा दिया, लेकिन ये सच्चे राष्ट्रभक्त थे, ये राष्ट्र के लिए कुर्बान। इनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है, अभी तक का मैं बता रहा हूँ। देखिए, शहीद का दर्जा तो मिलना चाहिए, नहीं मिला है तो, और ये सरकार का विषय है, ठीक है ना। हमारा विषय हमारा है राष्ट्रभक्ति से, और राष्ट्रभक्ति का मैं जो मतलब समझता हूँ वो मानता हूँ समर्पण।
समर्पण से राष्ट्र और समाज की चिंता करें, समाज के लिए जो काम करें वही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। ऐसे विचार को लेकर हम पूरे देश के अंदर चल रहे हैं और मिशन मोदी अगेन पीएम पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते पूरे संगठन का काम देख रहा हूँ। हमारे डॉक्टर एपी सिंह जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और दिल्ली और जम्मू के प्रभारी भी हैं, और ऐसे ही हमने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को एक एक दो दो प्रांत का प्रभारी बनाकर हर राज्य में अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं। दिल्ली में भी हमारी टीम खड़ी हो रही है धीरे धीरे, और हमारा मानना है कि राष्ट्रभक्त जब खड़े होंगे तो मोदी जी को कभी चुनाव के लिए या वोट के लिए मांगना नहीं पड़ेगा। जब लोग खड़े होंगे और पूरे देश को हम उनके साथ खड़ा करना चाहते हैं, कभी भी मोदी जी पीछे मुड़ के देखें तो उनको लगे कि पूरा देश मोदी में है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। धन्यवाद सर आपका।